बंगोपसागर में दुर्बल होला बात्या जवाद। गतकाली संध्या 5:30 रे गभीर अवपात रे परिणत होइथिला बात्या। आज यह अवपात रूप नेब। मध्यान्न बेलकु एहा पुरी उपकूल छुइब। एहा परे समुद्र भितरे जगतसिंहपुर उपकूल दी पश्चिमबंग आड़क मुहाइब। यार प्रभाव में आज सकाळु वर्षा सहित हालुका हालुका पवन जारी रही। राजधानी भुवनेश्वर समेत विभिन्न स्थान में वर्षा लागि रही। जवादर घंटा प्रति समुद्र भितरे 11 किलोमीटर वेग रही। पुरी उपकूल छुईवा बेले पवन वेग घंटा प्रति 45-55 किलोमीटर रहिबो। जवाद प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा हेबो। यहा सहित पवन वेग भी कमिबो। गंजाम पुरी जिलार किसी अंचल प्रबल वर्षा संभावना रही। जगत सिंहपुर खोर्धा भद्रक केन्द्रापड़ा सह उपकूल जिला को प्रबल वर्षार संभावना रही। एथिपाय उपकूल जिला गंजाम पुरी जगत सिंहपुर रेड अलर्ट जारी करा दैछि। बंगोपसागर दुर्बल होला बात्या जवाद। गतकाली संध्या 5:30 रे गभीर अवपात रे परिणत होइतिला बात्या। आज यह अवपात रूप नेब। मध्यान बेलकु यह पुरी उपकूल छुईब। तेबे आसंतु शुणिबा जवादर स्थिति नहीं गतकाली राति रे कौन सूचना देथिले भुवनेश्वर आंचलिक पाणिपाग केन्द्र निर्देशक एचआर विश्वास। साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद अभी इवनिंग में वीकेंड ओके डीप डिप्रेशन हो गया है। अभी साइक्लोन नहीं है तो इसका लोकेशन अभी है हमारा गोपालपुर से साउथ में 260 किलोमीटर दूर में है। पुरी से 330 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट में है दूर में और पारादीप से 420 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट में है। तो इसका अभी जो डीप डिप्रेशन हुआ है इसका फर्दर अभी मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वर्ड रहेगा। फिर कल सुबह तक डिप्रेशन बनने का चांसेस है और पुरी का आसपास मैंने फिर नून तक पहुँचेगा। तो इसका प्रभाव में अभी हमारा कोस्टल एरिया में हैवी टू सुनी बा भुवनेश्वर।